हेलो हाय गुड मॉर्निंग माय लविंग चिल्ड्रेन, कैसे हो बेटा? काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फेस टू फेस मिले ना। यस ऑल वेल। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ, काफ़ी फेस्टिवल्स चले गए ना, दिवाली दिवाली के बारे में मिला था ना आप लोगों को? यस और नो? ओके। और उत्तरायण फेस्टिवल भी चला गया राइट? तो फेस्टिवल भी आप एंजॉय करते हो ना बेटा? फेस्टिवल के साथ यू ऑल हैव टू क्योर योर हेल्थ, ओके, एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स। यस, क्योंकि आप धीमे धीमे कैसे हो रहे हो, बड़े हो रहे हो ना। अब देखो तो बड़े हो रहे तो खुद की तो केयर कर नहीं सकते हो, बट साथ में मम्मा पापा, फिर जो भी आप लोगों के साथ दादा दादी रहते हैं उनका भी ध्यान रखो, उनकी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, ओके, देन यू हैव टू हेल्प देम, ओके। सो बेटा टुडे मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। सी स्टूडेंट्स, आप लोग जो वीकली टेस्ट के जो पेपर लिखते हो ना, यस वीकली बेटा, वो वीकली टेस्ट के पेपर काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो नोटबुक का जो पेज होता है ना, फुल स्केप के पेज, उसमें लिख के लाता है। मैं अपने मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड मैनी टाइम्स अगो कि आप लोगों को वीकली टेस्ट के पेपर का प्रिंट आउट निकालना है और उसी में आंसर्स लिखने हैं, ओके, बट कोई सर की बात ही नहीं सुनता है। सो मुझे आज फिर से आप लोगों के सामने आना पड़ा। सी, तो आप लोगों को वीकली टेस्ट के जो पेपर्स हैं उसके अंदर अपना फुल नेम, अपना रोल नंबर, अब सोचोगे सर रोल नंबर हमको पता नहीं, तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को बताया भी, जब आप लोग पेपर सबमिट करने आते हो ना तभी मैंने बताया था, बट आप लोग की ध्यान ही नहीं देते बेटा, यहाँ पे आपके सारे जो पेपर से मिक्सिंग हो जाते हैं, ओके। कोई कोई स्टूडेंट्स ने तो पेपर के ऊपर नेम, उसका रोल नंबर कुछ भी नहीं लिखा है, उसका स्टैंडर्ड के वो भी नहीं लिखा है, तो फिर वो देख के पता चल रहा है मुझे कि हाँ ये मैथ्स का है और ये क्वेश्चन ये, तो ये तो मेरे फोर्थ का है, ये मेरे फिफ्थ का, ये हाँ ये सेवन्थ स्टैंडर्ड का, वो ऐसे पता चल रहा है। लेकिन बेटा सारे टीचर्स वो मतलब नहीं देखते, बहुत मिक्सिंग, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप लोगों को अपना नेम, रोल नंबर और डिवीजन, डिवीजन में ए बी सी ऐसा नहीं लिखना है, आप रोज में हो कि लिली में हो, तुलिप में हो, कौन से डिवीजन में हो, वो आपको मेंशन करना है, ओके। वीकली टेस्ट के ऊपर टाइटल दो, वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ओके। यूनिट टेस्ट के भी पेपर्स आप पेपर के प्रिंट आउट निकाल के उसमें लिखना लिख सकते हो, पेपर के पीछे ब्लैंक स्पेस रखो, ठीक है, आई मीन टू से आगे पीछे बोथ साइड आपको प्रिंट आउट नहीं निकल लेगा, सिंगल पेज की प्रिंट निकालो और सिंगल पेज के प्रिंट में आप लिख सकते हो आंसर लिखना होगा, बट वीकली टेस्ट के पेपर के आंसर के लिए मैं स्पेस देता हूँ, उसी के अंदर लिखा था, ओके, अब से ध्यान रखना, ठीक है। नाउ आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू वेलकम टू विजयसेल्फ मैथ मैजिक क्लास, एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ओके। उस चैप्टर का नेम है ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। आप लोगों ने बेटा कुछ स्मार्ट वर्ड्स करते हो, कोई लिस्ट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, किसको क्या ज़्यादा सबसे लाइक करता है, कौन सी चीज़ क्या किसको पसंद, जैसे फॉर फूड लिस्ट, जैसे कि किसी को खाने में क्या पसंद है, ओके, फूड लिस्ट ऑफ माय फैमिली, माय फैमिली, जैसे अपने लिया पापा, ठीक है, पापा को क्या पसंद है, मम्मी को क्या पसंद है, फिर एल्डेस्ट सिस्टर है, बड़ी बहन है ना, दीदी, तो दीदी को क्या पसंद है, ओके, भैया को क्या पसंद है, तो आप यहाँ पे लिस्ट करो पापा को, तो बोले पापा को ना दाल भात अच्छा लगता है सबसे, उनको दाल और भात, ठीक है, दाल भात देखो या फिर दाल और राइस समझो, मतलब आपकी लिस्ट बनाया, क्या बनाया, लिस्ट क्या बनाया इसका लिस्ट। उसी तरह आप लोग जब क्लास में आते हो ना, तो क्लास के अंदर मानो कुछ ग्रुप में वर्क देना हो, तो बोले ये ग्रुप ये हो गया, ये ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी, कुछ वर्क करते हो राइट, तो ऐसे हम लोग ग्रुप में वर्क करते हैं। फिर जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, आप निकले हो रोड पे, मतलब वैसे कुछ देख रहे हो, मतलब तो उसके अंदर भी आपके माइंड में कुछ आते हैं ना सोच के, हाँ ये रोड पे कितनी कार्स देखी मैंने, तो बोले मैंने 5 कार्स देखी, बाइक्स कितनी देखी, बोले मैंने 10 बाइक्स देखा अभी, ओके, बसेस कितनी है, तो बोले 3 बसेस थी, तो उसका भी लिस्ट माइंड हो जाए कि अभी मैं निकला आज मैंने किसी देखी। हम लोग ऐसे लिस्ट बना के, हम लोग जो शॉप पे भी जाते हैं ना शॉपिंग करने,
ओके, किराना की शॉप या ग्रोसरी की शॉप है कोई भी, या फिर मॉल में जाके शॉपिंग करने, राइट। तो वहां पे हम लोग लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये लिस्ट बनाना दैट इज कॉल्ड चार्ट बनाना, इट्स कॉल्ड चार्ट। ओके, अब फ्लावर्स, तो चार्ट तो बहुत सारे होते हैं, आप लोगों ने काफी प्रैक्टिकल वर्क भी किया होगा ना, चार्ट बनाना, फ्लावर्स का चार्ट, एनिमल्स का चार्ट, बर्ड्स का चार्ट, राइट। तो बेटा ये चार्ट बनाना, उस चार्ट के आगे हम लोग एक और वर्ड ऐड करते हैं, दैट वर्ड इज स्मार्ट चार्ट। कैसा चार्ट बनाना सकते हैं वो स्मार्ट चार्ट्स, कैसा बनाना है स्मार्ट चार्ट। ओके, अभी स्मार्ट चार्ट के अंदर क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो अभी मैं आपको बुक के अंदर दिखाता हूँ। ओके, बट कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोग को देनी थी मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको ये बताया बेटा, वीडियो सभी स्टूडेंट्स देखा करो। देखो अब मैं कोरोना के भी कोई बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आप सब लोग की जो अवेयरनेस है ना अबाउट कोरोना वो अच्छी है, बराबर। यानी आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हो गए हो, कोरोना के वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया है कब से, 16 जनवरी, इट्स अ जीके क्वेश्चन। ओके, कोरोना की जो वैक्सीन है ना वो काफ़ी हॉस्पिटल में हमारे इंडिया में काफ़ी सेंटर पे स्टार्ट हो गया है। आपकी फैमिली में किसी को हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है रिलेटेड कुछ कोरोना, सो डोंट बी गेटिंग टेंशन, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज वैक्सीन इज स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छा। बट हमको क्योर तो रहना ही है, ओके, यानी हमको हमारी केयर भी करनी है और हमको क्योर भी रहना है, राइट। तो मास्क तो ऑलवेज पहनना है, यस, मास्क पहनोगे ना तो बहुत ही अच्छा। आपको भी एक चीज बताऊं, हम लोग के मुंह से जो छींक निकलती है ना, हम लोग जो खाते हैं, ओके, उसका जो ड्रॉपलेट्स होता है ना, ड्रॉपलेट जाते हैं जैसे अच्छी, तो उसमें से जो निकलते हैं ना वो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में अराउंड 100 मीटर में फैल जाता है। तो आप जब भी छींक खाओ ना, यस, तो आप लोग कुछ क्लोथ, कुछ हैंकी, अब आप लोगों ने कपड़ा पहने से हैंकी का लिया, देखो मेरे को कभी अचानक छींक आती ना, तो और ऐसे ही कर सकते हैं, ओके, डोंट नो वन, तो ये मेरा जो हाथ है मैं ऐसे कर देता, ऐसे, ये तो कभी नहीं कर रहा है, तो फिर इसको फिर धोने का जाओगे, ओके, यहाँ पे कर दो, फिर सोचोगे सर ये कहीं चिपकेगा, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, ओके। गवर्नमेंट की जो साइट्स वेबसाइट्स, काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स, काफ़ी लोगों ने ये बात बताई है कि आप हैंड का ये पार्ट यूज़ कर सकते हो, आप बैठे हो तो ये कपड़ा है ना, ये जो इसके अंदर का पार्ट, ये ऊपर वाला कहीं भी चिपक जाएगा, ओके, ये एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। तो ड्रॉपलेट्स जो है हमारा, आप सोचोगे सर मैं यहाँ पे अभी मैं ऐसे सोचूँगी अभी क्लास में कोई नहीं, चलो मेरे को छींका है मैं कर लेता हूँ, लेकिन इसके ड्रॉपलेट्स है ना दूर दूर तक इसके फैलते हैं, ओके, तो इससे भी इन्फेक्शन होता है। आपको फ्लू हो गया, फ्लू में भी अच्छे से ध्यान रखा करो, बट टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन का मतलब क्या था, टेंशन, अच्छा ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, टेंशन, ओके, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, ये नहीं। और टेंशन तो किसके होते हैं, टेंशन नो ना, only you are only one son or one daughter, तो हमको टेंशन नहीं है ना, बोलोगे मुझे टेंशन है, मतलब अरे आपके 10 सन है, my god, आपके 10 सन, आपके 10-10 बेटे, नहीं, ठीक है बेटा, टेंशन, क्या बोलते हम लोग टेंशन, तो हमको तभी ये भी नहीं लेना और ये भी नहीं लेना, okay? ठीक है, तो पता चल गया जो इम्पोर्टेंट थिंग्स मैंने जो बातें बताई ना, आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है, आप अपना भी ध्यान रखो, अपने घर के में पेरेंट्स का और भी नेबर्स तो नहीं, नेबर्स भी अवश्य क्या है, सो व्हाट आई वुड से, सेवा भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं ना पैर, और बड़ों का हमेशा आदर किया करना, ठीक है। तो इसी के साथ भी अच्छे से खेलो, मतलब ध्यान रखा करो, मैंने देखा है काफ़ी सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में शाम के 6 बजते ना सब लोग जैसे गेट टूगेदर रखा हो ना, ऐसे बिजी हो जाते, मतलब हो जाने साथ सब नहीं मजा रही है, ओके। तो चलो बेटा अभी हम लोग बुक के अंदर कंटिन्यू करते हैं, कौन सा हमारा चैप्टर है, चार्ट, तो हमको पता ही चार्ट क्या होता है, आप लोगों ने काफी बनाया भी चार्ट्स, ओके, काफी फेस्टिवल के अंदर भी आपने प्रैक्टिकल वर्क भी किया होगा, बट हमको चार्ट्स के अंदर क्या वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, सो आवर टुडेस चैप्टर इज स्मार्ट चार्ट्स, ओके, बट चलो टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बट मैंने क्या बोला, ध्यान रखो अच्छे से, हमको कोई भी बीमारी नहीं होगी, हेल्थी बनो और अच्छा सा खाना खाओ, पौष्टिक आहार लो, ठीक है, चलो तो हम लोग अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।
ओके सी चिल्ड्रन, तो टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग का ये जो लास्ट चैप्टर है, यस ओके हाँ, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट बेटा ओके। लेकिन ये अच्छे से पहले इसको पढ़ लेना, ये चैप्टर बहुत मजे वाला है ये चैप्टर, यस आपको बहुत यानी बहुत इंटरेस्ट पड़ेगा। सी चैप्टर नंबर 14 स्मार्ट चार्ट्स। स्मार्ट चार्ट्स का मतलब क्या होता है, चार्ट्स हमको बनाने हैं बट कैसे बनाने हैं, हमको स्मार्टली बनाने हैं। कैसे स्मार्ट, अभी मैंने समझाया ना कि हमारे जैसे घर में कोई खाते मतलब खाना, तो हम फूड लिस्ट बनाते हैं, फिर सुबह ब्रेकफास्ट सबको अलग अलग चाहिए वो, फिर जैसे अच्छा बताए आप लोग, हम लोग रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी जो मेन्यू होता है ना, तो मेन्यू के हिसाब से हम लोग अपने अपने हिसाब से ऑर्डर भी करते हैं ना, पता है ना आप लोगों को कि भाई नहीं मुझे तो ये सब्जी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, ठीक है। मेन्यू कहने के जैसे पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं तो पिज़्ज़ा में तो कितने कितने सारे फ्लेवर्स होते हैं, कितने सारे वैरायटीज़ होती है ना। लेकिन मैं बताऊँ मेरी बात, मैं और मेरा सन क्रेनिल हम लोग का एक ही फेवरेट पिज़्ज़ा है, ओनली सिंपल, क्या मार्गरेटा। मुझे तो सिर्फ मार्गरेटा ही अच्छा लगता है, वो भी ओनली एंड ओनली डोमिनोज बेटा, क्योंकि डोमिनोज एकदम वर्ल्ड वाइड मतलब कंपनी है, पता है आपको, यस वो इंटरनेशनल कंपनी है, जैसे फूड कंपनी बोलते हैं ना, यस। तो वो डोमिनोज की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, देखो मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप डोमिनोज में जाओ, एंड आई एम ऑल्सो नॉट एडवर्टाइजिंग ऑफ डोमिनोज ओके, एंड आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा, बट मैं जो बता रहा हूँ ना, मतलब मुझे तो वो अच्छा लगता है, बाकी और किसी का पिज़्ज़ा नहीं अच्छा लगता। और उसमें भी चीज़ बस्ट हो ना, चीज़ बस्ट लबालब चीज़ भरा हो, वाओ मुँह में पानी आ गया अभी अभी, खाने का मन कर गया। चलो देखते हैं, बेचारे अच्छे खासे बच्चे टीवी देख रहे हैं, ओ हो टाइगर, टाइगर, और ये बेचारे बच्चे रेडियो सुन रहे, देखो यस दे आर लिसनिंग म्यूजिक एंड दे आर वॉचिंग टीवी ओके। तो चलो इसके अंदर हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन यानी पता चलता है ना, ये निरीक्षण करना यानी देखना कि कौन क्या कर रहा है और कौन कितने प्रोग्राम देख रहा है, किसको कितना प्रोग्राम अच्छा लगता है ओके। नाउ अब हम लोग एक एक लाइन से स्टार्ट कर दें ओके बेटा, सो बी कॉन्सेंट्रेट ओके। और देखो मैंने अभी जो बताया ना आप लोगों को वीकली टेस्ट के बारे में, तो उसके अंदर मैं आपको कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रिंट आउट निकलवाओ, मे बी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, यदि आप पॉसिबल नहीं है प्रिंट आउट निकलना तो डोंट वरी, आप लिख सकते हो नोटबुक के बीच में, बट 99.99% आई एम टेलिंग यू कि प्रिंट आउट निकलो तो अच्छी बात है। बाकी कुछ पेरेंट्स मुझे मिलते बोलते कि सर हमारे वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, और कुछ शॉप्स भी बंद होती है प्रिंट आउट कंप्यूटर जो जोन होता है, मतलब जहाँ पे प्रिंट आउट वो बंद होता है, तो मैं बोल देता हूँ इजीली नो प्रॉब्लम, देखो फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी को ओके। तो जरूर लेकिन हो सके तो उसमें निकलो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे नाउ, और ये मैं स्पेशली मैथ्स के लिए बोला हूँ प्रिंट आउट के लिए ओके, बाकी इस दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको जैसे ठीक लगे। नाउ हाउ मैनी आवर्स, अरे यार तो आवाज़ बहुत आ रही है पता नहीं, हाँ मैं तो स्कूल से ही हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम चला है सो ओके। हाउ मैनी आवर्स यानी कि कितने घंटे, ठीक है। ऑल ऑफ अस एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन, सारे लोग टेलीविजन को देखने से एंजॉय कर रहे हैं, और लिसनिंग टू द रेडियो ओके। हम लोग सब क्या कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये लोग सब है ना टेलीविजन से भी एंजॉय कर रहे हैं और रेडियो से भी। देखो ये बच्चे जो है ना वो क्या कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन दिस, हम लोग इसमें कितना टाइम स्पेंड करते हैं ओके। तो चलो हम लोग देखते हैं, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, हम लोग मतलब मैं नहीं आप लोग की बात है ओके। नोट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ अ टीवी और रेडियो एवरी डे, आप टीवी के सामने कितने घंटे यानी कितना टाइम पसार करते हो, या तो फिर रेडियो में कितना, बताओ। डू दिस फॉर वन वीक, आपको एक ये प्रैक्टिकली करना बेटा, ठीक है। देखो ये प्रैक्टिकली आप नहीं करोगे तो भी आपको तो पता ही है इसका आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमको ये पूछा गया है कि आप एक वीक तक, डू दिस फॉर वन वीक, एक वीक तक आप ट्राई करो, मतलब ट्राई मीन्स कि करो ये चीज़ कि रोज़ कितना टाइम आप म्यूज़िक सुनते हो रेडियो में, या फिर न्यूज़ सुनते हो, या फिर और कुछ, ठीक है, या फिर टीवी के सामने बैठ के टीवी देखते रहते हो, एक वीक तक करना ही है। द टाइम स्पेंड इन अ वीक इज, आप सोचो एक वीक में कितने डेज होते, सेवन डेज होते,
अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये स्टार्ट तो मैंने ये सारा होमवर्क तो आपने किया था ना लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था, बताओ। हाँ एग्ज़ाम तो कब की ख़त्म हो गई ना हमारी। यस, एग्ज़ाम के बाद तो एक लेक्चर भी हमारा चला गया। ओके, पेपर तो अच्छे रहे ना। एक्चुअली मैं लास्ट लेक्चर में आपको पूछना भूल गया था, सो अभी पूछ लेता हूँ। बोलो सही है ना। ओके ओके चलो, तो ये अच्छे से किया ना आप लोगों ने, और इसका आंसर भी मैंने बता दिया ना। ओके ओके चलो ठीक है। तो मुझे बताओ ये चीज़, अभी हमको टाइम स्पेंड एक वीक के अंदर, तो मैं हम लोग एक वीक में, एक दिन में हम लोग एक घंटा टीवी देखते हैं। मुझे पता है आप लोग एक घंटा नहीं देखते हो, आप पूरे दिन टीवी देखते रहते हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने जब भी स्कूल में आए थे ना, मुझे बताए थे यस कि मेरा लड़का यार ये मेरे तो सर ये है ना, तो पूरे दिन टीवी देखते रहते, पूरे दिन टीवी देखती रहती है, मोबाइल के अंदर भी सीरियल्स देखती रहती है। इतना ज़्यादा लाइक मत करो सीरियल्स को, हाँ नहीं तो आओ स्कूल में फिर मैं तुम्हारी सीरियल बनाता हूँ मैं, और नहीं तो क्या कार्टून्स भी बनाता हूँ तुम्हारे। ओके तो चलो मैं एक मान लेता हूँ कि एक डे में मैं एक आवर टीवी देखता हूँ आप लोग, तो एक वीक में कितना हुआ, 7 हुआ ना, 7 आवर्स। यस, वन डे में 1 आवर, तो हमको एक वीक का अ वीक, एक वीक में 7 डेज, तो 7 आवर्स हुआ। सो इन अ मंथ यू स्पेंड अबाउट 30 क्यों किया है, क्योंकि मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। रोज का कितना, 1 आवर, रोज का 1 आवर, तो टोटल कितने आवर्स हो गए, 30 आवर्स। ओके, ये आप लिख देना नोटबुक के अंदर, लिखना है फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम्स दे स्पेंड इन अ वीक, वो पूरे वीक में कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो अपने फ्रेंड्स को पूछ के लिखना है। चलो फ्रेंड्स नहीं तो आप अपने फैमिली के बारे में लिख देना, ठीक है। एक्चुअली फ्रेंड्स को पूछ के लिखना था, हाँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना है, यानी हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसन टू द रेडियो इन अ वीक। एक वीक में ये लोग जो है ना वो कितना, तो आप देखना है कि मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं। ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपके 3 फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो 3 घंटे से भी, सॉरी 6 आवर्स से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं। सुबह उठेंगे तब से कार्टून देखना स्टार्ट करेंगे, फिर 2-3 घंटा कार्टून देखेंगे, फिर ब्रश करने जाएंगे, फिर टॉयलेट जाएंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर नाश्ता सब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर से वही ब्रेकफास्ट भी मतलब जो है ना टीवी देखते देखते करें, ऐसे 6 मोर देन 6 आवर्स, यानी 6 घंटे से भी ज़्यादा की बात। ऐसे 3 फ्रेंड्स जस्ट हम लोग मान रहे हैं, एक्चुअली आपको ये खुद करना है बेटा, प्रैक्टिकली वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क है ये, तो प्रैक्टिकली यू हैव टू डू दिस, बट मैं अभी खाली जस्ट एग्जांपल के रूप में करवा रहा हूँ, ठीक। आप लोग ये मत लिख देना देख देख के, आप अपने हिसाब से करना, पूछ के फ्रेंड्स को पूछ के। चलो 6 आवर्स कौन देखता है, तो मान लो ऐसे कोई फ्रेंड्स है जो 6 आवर्स, ऐसे 5 फ्रेंड्स, 5 आवर्स की भी देखता हूँ, मान लो ऐसे 4 फ्रेंड्स, 4 आवर्स देखते हो, 4 आवर्स, तो ऐसे मान लो कि 8 फ्रेंड्स हैं आपके, सर इतने सारे फ्रेंड्स नहीं है। ओके, 3 आवर्स देखते हो ऐसे 2, और 2 आवर्स देखते हो ऐसे मान लो कि 6 फ्रेंड्स है ऐसे। ओके, और 1 आवर देखते हो ना, 1 आवर ओनली 1, ओके, एक ही दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जो आप 1 आवर देखते हो वो भी 1 हो। और 0 आवर डू नॉट वॉच, ऐसे कोई है, बोले हाँ है ऐसे, तो ऐसे कोई फ्रेंड हो ऐसे, तो कितने फ्रेंड, 0, चलो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है आपका, 0 फ्रेंड, 0 आवर यानी डू नॉट वॉच टीवी, ठीक, या रेडियो, ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं, सब लोग देखते, तो हमने 0 लिख दिया, ऐसा कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। सो चलो अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, आई कैन वॉच टीवी फॉर 24 आवर्स, इज इट गुड और बैड फॉर मी। अब ये चिड़िया रानी बोल रही है कि मैं 24 घंटे टीवी देख सकती हूँ, मतलब ओके, तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मतलब बैड और गुड, तो एक्चुअली बेटा ये बर्ड है, बर्ड को एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि बर्ड वैसे भी टीवी का देखता है, बट यदि हम ह्यूमन की बात होना ही है, ह्यूमन यानी हम लोग इंसान की बात, तो इट इज़ बैड हम लोग के लिए, क्या है बेटा, बैड है, क्योंकि 24 टीवी देखना यानी बहुत, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होता है टीवी में से भी, यस यस, उसकी जो रोशनी होती है उसमें भी जो उसकी जो वेव्स होते हैं ना, वो भी हमारी आँखों को नुकसान करता है, और हमारी आँख के अंदर क्या एक्चुअली उसको हिंदी में कनिनिका बोलते हैं, बट हाँ आइरिस होती है ना, आइरिस, यस हमारी, आप सोचो कि सर आइरिस क्या है, आइरिस की स्पेलिंग ये चीज़ है, मैंने लिखा ये आइरिस के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, ओके, जिसको हिंदी में कनिनिका बोलते हैं, गुजराती में भी कनिनिका बोलते हैं,
तो ये आप जब फिफ्थ सिक्स सेवन में जाओगे साइंस सब्जेक्ट आएगा तब ये पढ़ेंगे आप लोग पढ़ोगे बेटा, ठीक है। बाकी हमारी आँखों को भी नुकसान होता है, हमारी बॉडी को भी, और हम लोग बैठे बैठे या खड़े खड़े टीवी देखते हैं तो बॉडी को भी मतलब उतना एक्सरसाइज नहीं मिलता है तो बॉडी को भी नुकसान होता है। सो हम लोग को 24 घंटे का भी टीवी देखना चाहिए नहीं, हाँ 1 आवर 2 आवर्स इट्स इनफ, मैं तो बोलता हूँ मोर देन इनफ है, इट्स अ एंटरटेनमेंट नथिंग एल्स बेटा, ठीक है। वो हमारे खाली एंटरटेनमेंट के, हाँ कोई कोई प्रोग्राम्स ऐसे जैसे अभी KBC कौन बनेगा करोड़पति, वो तो मेरा फेवरेट शो है, मैं तो देखता हूँ, ठीक है। फिर ऐसे और भी है मतलब एंटरटेन करना है ना हमारे अपने आप को, तो कार्टून्स देखो या फिर कुछ डिस्कवरी चैनल्स देखो, नेशनल ज्योग्राफी आते हैं, न्यूज़ देखो। अब न्यूज़ तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा देखना तो आप कार्टून से देखते होंगे, बट डिस्कवरी और ये सब देखो। मेरा अपने सन जो है ना मेरा वो वही देखता है, उसको बहुत मजा आती है, उसमें भी मैन वर्सेस वाइल्ड आता है, उसको भी बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट पड़ता है उसको देखने में। यस आप देखते हो मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी पे, ओके। तो टीवी देखो लेकिन ऐसे कुछ टाइम के लिए 1 आवर 2 आवर ऐसे, और हम लोग के पूरे फैमिली में सबका हमारा फेवरेट है 8:30 पे जो आता है ना फेवरेट सब टीवी पे, यस तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, क्या तुम लोग ही तोड़ते हो कांच, चलो छोड़ो वो सब बातें, तो पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए बैड है, ठीक है। तो हम लोग 8:30 बजे टीवी स्टार्ट करते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, एंड हम लोग का जो डिनर होता है वही टाइम पे होता है तो मजा आती है। चलो अब देखते हैं फ्रॉम योर टेबल, अब ये टेबल हमने जो लिखा है ना, ये इंफॉर्मेशन जो हमने सारी कलेक्ट की है ना, ये हमारा चार्ट हो गया बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे चार्ट, तो हमने ये चार्ट बनाया, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है कि कितने हमने लिस्ट बनाए हैं सारे के, ठीक है। अब इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। नाउ वॉचिंग टीवी लिसनिंग टू द रेडियो, ओके। नाउ फर्स्ट ब्लैंक क्या, डैश डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन अ वीक, 6 घंटे से भी ज़्यादा देखते हो ऐसे कितने बच्चे, तो देखो ये रहा मोर देन 6, 3 स्टूडेंट्स है 3 चिल्ड्रन, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। देखो बेटा मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये तो है ना मैंने खाली ऐसे अंदाज से लिखा है, ठीक है, ये कोई रियल मतलब क्या बोलते हैं ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं है, ओके। ये तो मैंने आपको अभी आपके सामने मैंने खाली सोच के लिखा है ना, बट आप लोग की एकदम फेयर लिस्ट बनाना हो तो अपने फ्रेंड्स जितने भी हो कुछ उससे पूछ के या फिर फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेके भी आप ये फिल कर सकते हो, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डैश चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल, ऐसे कितने बच्चे के जो कभी, हाँ बोलो बोलो बोलो, यस बेटा डैश चिल्ड्रन, ओके। तो ऐसे कितने बच्चे जो नो टाइम एट ऑल मतलब बिल्कुल टीवी ना देखा हो, तो ऐसे अभी मैंने लिखा है 0, ऐसे तो कोई बच्चे नहीं है ना, सब लोग टीवी देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0। मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आवर्स इन अ वीक, यानी एक वीक के अंदर, एक वीक यानी 7 डेज, काफ़ी ऐसे बच्चे जिन्होंने इतने घंटे तो वीक में निकाले ही है। तो देखो अब हम लोग सबका तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये हमको देखिए ऐसे पता चलता है, ऐसे हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोस्टली यानी काफ़ी बच्चे ऐसे कि जिन्होंने एक वीक में इतने घंटे तो निकाले, तो एक सिर्फ एक घंटा रोज देखता हो ना, रोज एक घंटा, ऐसे कितना बच्चा, एक ही बच्चा है बेचारा, रोज 2 घंटे देखता हो ऐसे 6 बच्चे, अब सोचो ये रोज 2 घंटे देखते हैं तो वीक में कितने हुए 14, हाँ रोज के 2 आवर्स, तो एक वीक यानी 7 डेज में कितने हुए 14 आवर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताएं, ये सारे बच्चे ना सारे बच्चे देखो ये 1 आवर देखता है, 2 आवर्स, 2 आवर्स देखते वैसे कितने 6 बच्चे, 3 आवर्स देखते वैसे 2 स्टूडेंट्स है सॉरी चिल्ड्रन है, 4 आवर्स देखते 8, तो ये सब लोग रोज का एक मिनिमम 1 घंटा तो देखते हैं ना, एक्चुअली ये तो 3 घंटे देखते हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो 3 घंटे देखते हैं, तो हम लोग ऐसे तो बोल सकते भाई हाँ रोज का एक, हाँ कभी कभी ऐसे हो सकता है एग्जैक्टली 3 घंटे देखता है वैसे जरूरी, कभी कभी 3.5 घंटे भी हो जाते होंगे, कभी कभी 3 आवर्स से थोड़ा कम भी हो जाते होंगे, लेकिन एक चिल्ड्रन ऐसा है ओनली 1 चिल्ड्रन जो वीक के अंदर रोज 1-1 घंटा मिनिमम 1 घंटा तो टीवी देखता है, यानी पूरे वीक में कितने आवर्स देखा उसने 7 आवर्स, तो हम लोग ये सबको भी इसके साथ काउंट करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये सारे जो बच्चे हैं ना कि जो 1 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं, देखो सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा है जो ओनली 1 घंटा टीवी देखता है, बाकी इसको छोड़ के ये सारे जो चिल्ड्रन है ना ये सारे 1 घंटे से ज़्यादा ही देखते हैं, बोल सकते हैं ना हम लोग ऐसे, देखो ये सारे ये 6 बच्चे ऐसे जो 2 आवर्स देखते हैं, 2 चिल्ड्रन ऐसे जो 3 आवर्स, यानी सारे मिनिमम 1 घंटा तो देखते हैं, तो हमको ये पूछे कि मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आवर्स इन अ वीक,
कितने अवर्स? तो 7 अवर्स। सर कैसे 7 लिखा? तो मैंने लिखा कि ये मिनिमम सारे बच्चे 7 अवर्स तो देखते ही पूरी वीक, रोज 1 घंटा तो मिनिमम देखते हैं ना। ओके, तो हमको अवर्स लिखना है, तो हम इसके बेसिस पे ही लिखेंगे बेटा। यस, क्योंकि ये एक ही बच्चा ऐसा है जो पूरे वीक में सिर्फ 7 अवर्स दिखता है, ये सब तो 7 अवर्स से ज़्यादा ही दिखता है। तो मोस्ट चिल्ड्रन हमको लिखना है, काफ़ी बच्चे ऐसे, काफ़ी मोस्ट के बच्चे ऐसे हैं ना कि जो 7 अवर्स वीक में देखते ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा। नाउ डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 अवर्स, ऐसे कितने बच्चे जो 3 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं? तो ऐसे तो बहुत सारे, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, देखो ये 3 अवर्स देखते हैं, तो ये भी 3 घंटे से ज़्यादा देखते हैं, ये भी 3 घंटे से ज़्यादा, ये भी 3 घंटे से ज़्यादा, ये भी तीन, और ये तो काफ़ी है। तो यहाँ से हम लोग काउंट करो, देखो यहाँ से 3 अवर्स, हमको तो मोर देन 3 बोला है ना, तो मोर देन, ये तो 3 अवर्स देखते हैं, हमको मोर देन बोला है, तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे बेटा। ठीक है, ये तो 3 अवर्स ही देखते हैं, हमको तो क्या बोला है? मोर देन 3 अवर्स। तो ये तो ओनली 3 अवर्स देखते हैं, तो 3 से ज़्यादा देखने वाले बच्चे कितने हैं? तो 8 और 4 12 और 5 17 और 3 कितने हो गए? 20। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? 20 children स्पेंड मोर देन 3 अवर्स। ओके, गॉट इट? नाउ विच प्रोग्राम? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑन टीवी और रेडियो, सच एज कार्टून्स, न्यूज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, प्लेज, सीरियल्स। ओके, यानी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टीवी के प्रोग्राम होते हैं ना, और रेडियो पे भी आते हैं ना, कार्टून्स भी आते हैं। हाँ, रेडियो में भी बेटा, आपको पता है रेडियो क्या है? यस, आर यू फैमिलियर विथ रेडियो? आप रेडियो के बारे में जानते हो? रेडियो एक्चुअली है ना, टीवी तो अभी, मतलब टीवी तो है स्टार्टिंग से, लेकिन आपके मम्मी पापा भी जब छोटे होंगे ना, जैसे गाँव में या फिर ऐसे, तो सबके पास टीवी नहीं होता था, तो रेडियो हुआ करता, और रेडियो में न्यूज़ आते थे, न्यूज़ सॉन्ग्स भी आते थे, फिर कोई फरमाइश करे ना, फरमाइश यानी कोई रिक्वेस्ट भेजे ना फ़ोन करके कि भाई आज हमारा ये गाना प्लीज़ बजाओगे, तो फिर रेडियो में वो टाइम होता था कि इतने टाइम पे आपका सॉन्ग आएगा। आपके पहले के ज़माने मूवी कभी कभी देखी हुई ना, उसके अंदर रेडियो दिखाते, तो ये रेडियो बेटा। ओके, तो रेडियो यानी ओनली इसके अंदर क्या होता था? ऑडियो होता था, इसमें वीडियो होता नहीं है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो। तो क्या क्या आता है? कार्टून्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, यानी हाँ ये सब कुछ आता है। अब क्या बोला कि जूही's फादर लाइक्स वॉचिंग सीरियल्स, जूही के पापा को क्या देखना पसंद है? सीरियल्स, टीवी में सीरियल्स आते हैं ना। यस, ओके, हर मदर लाइक्स स्पोर्ट्स, और उसकी मम्मी को क्या पता है? स्पोर्ट्स पसंद है। यस, क्या बात है, अच्छी बात है यार। एक्चुअली तो मदर को वो पसंद होना चाहिए ना सीरियल्स, यहाँ पे तो उल्टा है। जूही लाइक्स न्यूज़ प्रोग्राम्स, जूही झूठ बोल रही है, जूही झूठ बोल रही है, क्योंकि जूही को न्यूज़ पसंद है। मुझे तो कुछ नवाई लग रही है भाई, आप भी सच सच बोलना, आप लोग को भी क्या अच्छा लगता है? क्या बोले? अच्छा कार्टून्स, ओके, मे बी मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है। यस, माशा एंड बैर, मोटू बतलू, ओ ओगी वाला कौन सा आता बेटा? ओगी मैं तो भूल गया अभी यार, ओगी आता है, अरे यार वो बब, नहीं बब्बालू नहीं, क्या बुलबुले, अलमुटा भालू, अलमुटा, अरे बच्चा लोग वाला आता है ना, नो फियर नो ही, नहीं नो हियर नो फियर, ऐसे कुछ बोलता है ना वो। हाँ, ये सारे कार्टून इसलिए मुझे पता, क्योंकि मेरा सन है ना, सब कुछ ये देखता है। ओके, अभी जूही बोली, मे भी जूही पसंद होगा न्यूज़। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आस्क पीपल इन योर फैमिली, हाँ देखो अब ये भी आपको प्रैक्टिकल करना है फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। इन योर फैमिली टू नेम वन प्रोग्राम दे लाइक एंड वन प्रोग्राम दे डिसलाइक, मेक अ टेबल, एक टेबल बनाना है आपको ऐसे प्रोग्राम के जो उनको लाइक हो और उनको डिसलाइक हो। लिखा है प्रोग्राम दे लाइक, प्रोग्राम दे डिसलाइक। चलो मदर, तो मदर को क्या पसंद है? यहाँ पे लिखा है ना, मदर को क्या पसंद है बेटा? स्पोर्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्पोर्ट्स। उनको क्या डिसलाइक है? उनको सीरियल्स नहीं पसंद है ना, एक्चुअली इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग यही मान लेते हैं कि उनको सीरियल्स पसंद है। चलो फादर को क्या लिखा है ना, जो हिज फादर लाइक्स वॉचिंग सीरियल्स, तो फादर को क्या पसंद है? सीरियल्स। एंड उसको, उनको क्या पसंद नहीं होगा? अब इनको स्पोर्ट्स, इनको स्पोर्ट्स पसंद नहीं होगा, मे बी
हो सकता है स्पोर्ट्स पसंद भी हो, लेकिन ये जो है ना बेटा ये हमारी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोग को ये चीज़ नहीं लिखनी, आप लोग को खुद अपने मन से लिखनी, मन से मतलब मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी मामा मामी भैया भाभी दीदी जो भी कुछ है सबके यहाँ पे नेम्स, नेम्स मतलब जैसे दादा तो दादाजी लिख दो, ग्रैंड पा लिख दो, ग्रैंड माँ लिख दो, अंकल भी तो अंकल भी लिख दो, आंटी भी लिख दो, योर सेल्फ या आपका यंगर या मतलब एल्डर ब्रदर वो भी लिख दो। अब ये जो टेबल है ना ये तो हमने टेक्स्ट बुक में किया, बट ये क्वेश्चन नंबर वन है ना इसको हम लोग नोटबुक में करेंगे। क्यों नोटबुक में? एक तो ये क्वेश्चन लिखना है आपको, ओके, पहले टाइटल देखना है विच प्रोग्राम, फिर क्वेश्चन वन, ये तीनों, ये चारों लाइन नहीं लिखनी है आपको, ओनली ये लिखना है फर्स्ट नोटबुक के अंदर और ये लिस्ट में। इसलिए नोटबुक क्योंकि किसी किसी के फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो आप ये जितना लंबा चाहो उतना लंबा लिस्ट बना सकते हो। इसके अंदर तो भरना ही है, फिलिंग करना ही है और नोटबुक में भी करना, ओके। तो पता चल गया ये क्या करना है, बोलो बोलो, ठीक है। तो ये आपको करना है और इसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। क्या क्वेश्चन है? द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स लाइक, ऐसे कौन से प्रोग्राम है कि जो फैमिली मेंबर्स में सबको पसंद है। मान लो कि दादी, दादी को डिवोशनल सॉन्ग्स पसंद हो या वीडियो, हाँ भक्ति के सॉन्ग्स वगैरह होते वो, ठीक है। और मानो दादा, दादा को न्यूज़ पसंद है, मानो कि आपके पापा को भी न्यूज़ पसंद है, आपके अंकल तो अंकल को भी न्यूज़ पसंद है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा, न्यूज़। मोस्ट फैमिली मेंबर्स को क्या पसंद है तो बोले कि न्यूज़। द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर डिसलाइक, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है कि तुम्हारे फैमिली में काफ़ी लोग को डिसलाइक है, काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लगता है। यस, तो आप लिस्ट बनाओगे तो पता चलेगा ना। तो ये क्वेश्चन के आंसर के लिए आप मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो, बट ये लिस्ट इसके अंदर पहले कर दो। अब मानो छोटा पड़ रहा है ना तो उसको छोड़ दो, लेकिन जब नोटबुक में अच्छे से टेबल ड्रॉ करके करो ना तो सारे फैमिली मेंबर्स का नाम लिखना, ये प्रोग्राम्स लिखना और ये क्वेश्चन के आंसर देने, ओके। नाउ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड क्वेश्चन बेटा देखेंगे, ओके। तो चलो, और वो सारी बातें याद रखना जो अभी मैंने बताई थी, ओके। चलो तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा।